आज सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप 1.5 साल तक अपनी माँ से बात किए बगैर रह सकते हैं? ये सवाल सुनते ही आपको घबराहट होने लगी होगी, क्योंकि कोई भी बेटा या बेटी इतने लंबे समय तक अपनी माँ से बात किए बगैर रह नहीं सकता। लेकिन ये कलयुग है और कलयुग के इस दौर में इंसानों के दिल पत्थर के हो चुके हैं, और शायद यही वजह है कि अमेरिका में रहने वाले एक बेटे ने मुंबई में रहने वाली अपनी माँ से करीब 1.5 साल तक कोई बात नहीं की। माँ अकेले अपने बेटे का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। और जब 1 साल और 4 महीने बीतने के बाद वो समय निकालकर अमेरिका से मुंबई पहुंचा, तो उसे घर में अपनी बुजुर्ग माँ का कंकाल मिला। ये एक माँ का नहीं बल्कि रिश्तों का कंकाल है। ये बहुत दुख की बात है कि भागदौड़ से भरी जिंदगी में बच्चों के पास अपनी बुजुर्ग माँ से बात करने का वक्त नहीं है। अगर बच्चे दूसरे शहर या दूसरे देश में रहते हैं तो बात करने में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। जवान बच्चे अपनी सफलताओं और नाजुक नौकरियों को कसकर पकड़े रहते हैं, लेकिन अपने बुजुर्ग माँ बाप का हाथ बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि ये घटना हमारे ही देश भारत की है। भारतीय संस्कृति में माँ को पूजनीय माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में माँ के सम्मान से जुड़ी कथाएं भरी पड़ी हैं। लेकिन महानगरों की व्यस्त जीवन शैली की वजह से लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप को अकेले मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये एक तरह से रिश्तों का कंकाल है, और आज हमने ये फैसला किया कि हम रिश्तों के इस कंकाल का एक गहरा डीएनए टेस्ट करेंगे। इस खबर को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि आधुनिक दौर के रिश्तों में संवेदना का खून नहीं है, प्यार सहित तमाम भावनाओं की नसें जाम हो चुकी हैं, जम चुकी हैं, और अपने नजदीकियों की देखभाल करने वाले दिल ने अब धड़कना बंद कर दिया है। मुंबई में रहने वाली 63 साल की उस बुजुर्ग महिला ने अप्रैल 2016 में आखिरी बार अपने बेटे से बात की थी। तब इस बूढ़ी मां ने अपने बेटे से कहा था कि वो अब अकेले नहीं रह सकती, इसलिए या तो उनका बेटा उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाए या फिर उन्हें किसी ओल्ड एज होम में भेज दिया जाए। लेकिन बेटे ने अपनी मां की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसके 6 महीने बाद अक्टूबर 2016 में बेटे ने एक बार फिर अपनी मां से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई संपर्क नहीं हो पाया और वो अपनी मां से बात नहीं कर सका। इसके बाद बेटे ने अमेरिका से मुंबई पुलिस को एक ईमेल भेजकर इस बारे में शिकायत की, लेकिन पुलिस को भी उसकी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यानी अक्टूबर 2016 में इस बेटे को यह पता चल गया था कि उसकी मां के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही है और उसका अपनी मां से संपर्क भी टूट गया था, लेकिन इसके बावजूद इस बेटे ने अमेरिका से वापस आने की जहमत नहीं उठाई और इस बात को टाल दिया। फिर दिन, हफ्ते और महीने बीतते चले गए, लेकिन मां और बेटे के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। और अब अगस्त 2017 में जब ये बेटा मुंबई पहुंचा तो अपने घर में उसे अपनी मां का कंकाल मिला। रिश्तों की दुनिया में यह खबर किसी बम ब्लास्ट जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि बम धमाकों में आवाज होती है, लेकिन जब रिश्तों की मौत होती है तो दर्द भरी आवाजें किसी को सुनाई नहीं देती। अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता से प्यार करते हैं तो आपको यह विश्लेषण देखकर बहुत बड़ा झटका लगेगा। कड़वी सच्चाई यह है कि लोग सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं और सिर्फ अपना ही ख्याल रख रहे हैं। स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के इस दौर में हर कोई अकेला है, और यह अकेलापन ही 21वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी है। जो आज युवा हैं वो कल बुजुर्ग और अकेले हो सकते हैं, इसलिए ये खबर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को आईना दिखा रही है। हमारे देश में बुजुर्गों की हालत बहुत दयनीय है। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा की परंपरा वाले भारत में बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। भारत की परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि भारत इसलिए एक महान देश है क्योंकि यहाँ परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। माँ बाप का सम्मान किया जाता है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा देश महान है क्योंकि ग्रंथों में ऐसा लिखा है, लेकिन सच ये है कि भारत में ज्यादातर बुजुर्गों के हालात अब अच्छे नहीं रहे। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 10 करोड़ 38 लाख बुजुर्ग हैं। हमारे देश में सन 2026 तक बुजुर्गों की संख्या करीब 17 करोड़ हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 90% बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए सारी उम्र काम करना पड़ता है। भारत में करीब 5.5 करोड़ बुजुर्ग हर रोज भूखे पेट सोते हैं। भारत में हर 8 में से एक बुजुर्ग को लगता है कि उनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
बुजुर्गों की पेंशन के नाम पर सरकारें जीडीपी का सिर्फ 0.03% हिस्सा ही खर्च करती हैं। अब हम आपको एक सर्वे रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। ये सर्वे एक गैर सरकारी संस्था हेल्पेज इंडिया ने इसी वर्ष जून में देश के 19 शहरों में किया था। इस सर्वे के मुताबिक भारत के महानगरों में सार्वजनिक स्थानों पर 44% बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। सर्वे में 64% बुजुर्गों ने माना कि लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करने के बाद बड़ी आसानी से बच निकलते हैं। 53% बुजुर्ग मानते हैं कि उम्र के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। 61% बुजुर्गों का मानना है कि लोग सड़क पर वाहन चलाते हुए या पैदल चलते हुए उनकी धीमी रफ्तार की वजह से अपना धैर्य खो देते हैं। 52% बुजुर्गों ने माना कि अगर उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं तो लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। 53% बुजुर्गों को कार और बाइक चलाने वालों से बहुत परेशानी होती है। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 73% बुजुर्ग सड़क पर चलते हुए खतरा महसूस करते हैं। 42% बुजुर्ग ऐसे हैं जो डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में जाने वाले 26% बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। शॉपिंग मॉल्स के 17% कर्मचारी बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हालांकि सार्वजनिक वाहनों से सफर करने वाले हर 3 में से 2 बुजुर्गों ने यह माना है कि लोग उन्हें बैठने के लिए अब भी अपनी सीट ऑफर कर देते हैं, लेकिन 16% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके साथ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अच्छा व्यवहार नहीं करते। आप और हम एक परिवार की तरह हैं, इसलिए हमें कुछ विषयों पर खुलकर एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और इसीलिए आज हमारी कोशिश इस गंभीर विषय पर आपसे संवाद करने की है। इसी कोशिश के तहत हमने भारत में बुजुर्गों के हालात पर एक डीएनए टेस्ट किया है। अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो आपको ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। हमें नहीं पता कि जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस कहानी में आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं, बुजुर्ग माता पिता का या फिर उन्हें हाशिए पर छोड़ने वाले बच्चों का। चाहे आप अपने माता पिता के साथ रहते हो या फिर उनसे अलग होकर दूर रहते हो, आपको ये डीएनए टेस्ट जरूर देखना चाहिए। इससे आपके संबंधों में और मजबूती आएगी। कैक्टस को तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, मां बाप को गैराज या दलान में रखता है। मां बाप को भगवान मानने वाले देश में बुजुर्गों की यह हालत कलयुग की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। मुंबई के ओशिवरा में रहने वाली 65 साल की आशा साहनी भी अपने बेटे के इंतजार में कंकाल बन गई। संवेदनहीन बेटे के व्यवहार ने मां को बहुत पहले ही मार दिया था, लेकिन अंत इतना भयानक होगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ২০১৩ में पति के देहांत के बाद आशा साहनी अकेली हो गई और बेटा ऋतुराज साहनी मां को अकेला छोड़कर अपनी अमेरिका वाली कामकाजी दुनिया में बिजी हो गया। अपने बिजी बेटे से मां ने कई बार कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन बेटा मां की इस फरियाद को टालता रहा। बेटे के इंतजार में मां ने कब दम तोड़ दिया ये किसी को नहीं पता, लेकिन लंबे इंतजार के बाद बेटा एक बार फिर 6 अगस्त को मुंबई लौटा। तब तक मां एक कंकाल बन चुकी थी। रविवार को जब बेटा अचानक अपनी मां को मिलने पहुंचा, तब ओशिवरा इलाके की इस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर मां का फ्लैट अंदर से बंद था। कुछ समय बाद चाबी वाले को बुलाकर जब दरवाजा खोला गया, तब बेडरूम में बेटे को मां का कंकाल दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक बेटा अमेरिका में अपने परिवार के साथ सेटल है। लाखों रुपए की नौकरी करने वाले बेटे की अपनी मां से आखिरी बार बातचीत अप्रैल 2016 में हुई थी, लेकिन तब से अब तक बेटे ने मां से मुलाकात करने की कोई कोशिश नहीं की। करीब 1.5 साल तक मां से बात न होने के बाद बेटे ने मुंबई आने का फैसला किया, लेकिन बेटे के इंतजार में थककर मां ने सुसाइड कर लिया। मां बेटे को गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसने मौत को गले लगा लिया।
जी, उनका नाम आशा साहनी है, आशा केदारनाथ साहनी। वो ओशिवरा के एक टावर में रहती थी 10th फ्लोर पे। उनके जो बेटे हैं ऋतुराज साहनी, वो यूएसए से रिटर्न आने के बाद जब उन्होंने वो रूम खोला, वो 5 BHK का बड़ा ब्लॉक है, तो उसके 5th बेडरूम में उनका कंकाल पाया गया। पुलिस ने इस मामले में ADR दर्ज की है और आगे की छानबीन है जो जारी है। आशा साहनी की मौत के बारे में पड़ोसियों को भी कोई जानकारी नहीं है। अक्सर इस तरह के मामलों में लाश से बदबू आने लगती है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस बारे में पड़ोसियों को कुछ नहीं पता। उनके हस्बैंड थे, उनकी डेथ आज से आई थिंक 2013 में उनकी डेथ हुई थी, एंड उसके बाद अभी इनके बारे में पता चला। मुझे खाली इतना पता था कि उन लोग मिसिंग हो गए काफ़ी टाइम से। शी वॉज अ गुड लेडी, काफ़ी पूजा पाठ भी करती थी। So that's all we know about. एक बच्चा जिसे माँ बाप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, एक बच्चा जिसे माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं और सिर्फ ये उम्मीद लगाते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे। लेकिन बच्चा बड़ा होता है, अपना परिवार बसाता है, काम काज में लग जाता है और अपने खुद के बच्चों की परवरिश करने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके माँ बाप को अब उसकी जरूरत है। आप उनको अकेला घर में रखते हैं केयर गिवर्स के साथ में, उनका क्या उनका सुपरविजन कौन करता है? कोई नहीं। वो क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं। मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज आपको पता नहीं। आप तो काम पे चले जाते हैं, जब आप रिटर्न होते हैं तो वो ठीक रहते हैं। वो बहुत टाइम एल्डरली अपने खुद से बताते नहीं हैं बच्चों को कि उनको तकलीफ होगी। उनको ऐसे लगता है कि उन लोग इतना कर रहे हैं तो अगर ये केयर गिवर हमको थोड़ा सा परेशान भी कर रहे हैं या मेंटली अब्यूज़ भी कर रहे हैं, हम सह लेंगे। उनकी यूजुअली ये एटीट्यूड होती है और बच्चों को लगता है कि हम उनको बेस्ट ऑफ केयर दे रहे हैं। अपने बच्चों के अनदेखी की वजह से बुजुर्ग माँ बाप ओल्ड एज होम की शरण में चले जाते हैं, लेकिन वहां भी अव्यवस्था की ना उम्मीदी ही हाथ लगती है। देश के ज्यादातर ओल्ड एज होम्स की हालत बहुत खराब है। अभी इसलिए मुझे ज़्यादा लोनलीनेस फील हुआ, क्योंकि मैं इतने साल माँ बाप दोनों का ड्यूटी कर रही थी, अभी कोई नहीं है। तो फिर अभी क्या हुआ, मुझे जब बच्चे बड़े हो गए, दोनों को शादी हो गई, सब लोग हो गए, अभी मुझे लगा क्योंकि मुझे कंपेनियन भी नहीं है बात करने के लिए। देश का कोई भी शहर हो, वहाँ आपको ऐसे वृद्धाश्रम मिल जाएंगे और वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों के साथ साथ ढेर सारी समस्याएं भी मिलेंगी। हालांकि देश में सुविधा संपन्न वृद्धाश्रम भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और बाकी सारे वृद्धाश्रम बुजुर्गों के लिए बस किसी तरह दिन काटने का जरिया बने हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पैसे है, सब कुछ है, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। और उम्र के इस दहलीज पर जब आप पहुंच जाते हैं, इस दौर पे जहाँ पहुंच जाए कि वहाँ जरूरत होती है कोई ना कोई तो आपके साथ रहे। बहुत कम लोग हैं कि जिनका मन करता है कि मैं छोड़ के सब वृद्धाश्रम में रहूँ। बहुत सारे लोग फोर्सफुली वहाँ जाके रहते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है अपने बच्चों से या अपने परिवार से दूर होकर। कई लोग मजबूरी में जाकर वहाँ पर रहते हैं। माँ बाप को भगवान मानने वाले देश में बुजुर्गों की ये अनदेखी बहुत दुखद है। यही बुजुर्ग परिवार के हर सदस्य के जीवन में धूप लाते हैं, लेकिन खुद इनके दामन में बहुत अंधेरा है। मुंबई की आशा साहनी की मौत ने एक बार फिर कई चुभने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों का जवाब हमारे समाज और सिस्टम को ढूंढना है। राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। मीडिया में खबरों का बहाव बहुत तेज होता है, ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है और हर न्यूज चैनल, हर अखबार इस लड़ाई में, इस रेस में लगा हुआ है कि सबसे पहले खबर प्रसारित करे। इसलिए कई बार हमारी संवेदनाएं मर जाती हैं और खबरों के अंदर दबी हुई भावनाएं सतह तक कभी नहीं आती और लोगों तक भी कभी नहीं पहुंचती। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, देश की राजनीति, राज्यसभा चुनाव जैसी खबरों के बीच ऐसी संवेदनशील खबरें किसी को दिखाई नहीं देती, या ये कह लीजिए कि दिखनी बंद हो जाती हैं। लेकिन हम मीडिया के इस चरित्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि मीडिया को खबरों में छिपी संवेदनाओं को भी समझना चाहिए।